वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले थाना वजीरगंज में होमगार्ड विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्ति हुए जवान रामकिशोर पाल को अंगवस्त्र, साइकिल, छाता, टॉर्च, धार्मिक ग्रंथ व नगद धनराशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में कंपनी वजीरगंज के जवानों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष नरेंद्र अंकम ओझा ने सेवानिवृत्ति हुए जवान के भविष्य में सुखी व स्वस्थ रहने की कामना। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी से राजेंद्र दुबे, SE मनीष कुमार, दीवान रंजय कुमार, सुमित वर्मा, रविंद्र यादव तथा होमगार्ड दिनेश पांडे, रिंकू सिंह, धर्मेंद्र, राम कुमार दुबे, विष्णु प्रताप, प्रेमीलाल, चंदुभान, योगेंद्र, दुर्गेश्वर, राम नारायण गुप्ता, सीताराम, राम केवल, गंगा प्रसाद, संतोष सिंह, भगवती लिए, हनुमान पांडे, शिव गोपाल पांडे, राम प्रकाश दुबे व शिव कुमार सिंह जिला महामंत्री उपस्थित रहे। सर, आप दो शब्द जानना चाहेंगे इनके बारे में, दो शब्द कैसा रहा कार्यकाल? ये हमारे जनपद में होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं। इनका नाम रामकिशोर पाल जी हैं, कंपनी वजीरगंज में होमगार्ड के पद पर थे और इनकी उम्र 60 साल पूरी हो गई है। ये सेवा से मुक्त हुए हैं और बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। दुख ये है कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है कि जो होमगार्ड रिटायर हो तो उनको कोई अनुग्रह राशि या आगे के जीवन जीने के लिए कोई धन मिल सके। तो हम लोग अपने संगठन के तरफ से, हम होमगार्ड जवानों का एक अवैतनिक संगठन है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन। मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे भाइयों ने हमको जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। संगठन के तरफ से जो भी हमारे होमगार्ड भाई रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्ति समारोह किया जाता है। धन देने की बात नहीं है, जो कुछ हम लोग आपसी सहयोग से जो भी हो सकता है एक सम्मान करते हैं। सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन करते हैं जो कि आज थाना वजीरगंज के कैंपस में यह कार्यक्रम हो रहा है और यह कंपनी वजीरगंज के शेष जवानों के सहयोग से ही हो रहा है। इसमें हमारे जनपद के जनपद इकाई के कुछ पदाधिकारी गण आए हैं, जिसमें राजेंद्र दुबे जी हैं, अजय प्रसाद यादव जी हैं, सूर्यमणि मिश्रा जी हैं, मैं सोम आया हूँ, जबकि आज लखनऊ में भी मीटिंग होनी है। लेकिन यह कार्यक्रम हमको उस कार्यक्रम से ज़्यादा बड़ा महसूस लगा, मैंने महत्व दिया और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शेष जीवन हमारे पाल जी का स्वस्थ रहे, सुखमय रहे, खुशहाल रहें और जो कुछ हम लोगों के लायक इनके रिटायरमेंट होने के बाद भी कोई भी सहयोग की अपेक्षा हम लोगों से होगी, होमगार्ड एसोसिएशन हमेशा इनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। आपसे कि बीते जो आपके यहाँ पे साल बीते हैं इसके बारे में, या आपकी कोई अच्छे मोमेंट या किसी सहयोगी मित्र का योगदान, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब हमारे साथे जितना दिन विभाग में हो गया सेवा करते, लेकिन हमसे सबसे व्यवहार पूरे हमारे जिले की जनपद की बात बता रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।